उज्जैन जिले के अंदर शासकीय गेहूं खरीदी केंद्रों पर किसानों के गेहूं की खरीदी की जा रही है, जहां इस समय बड़ी संख्या में किसान अपने गेहूं की फसल बेचने के लिए पहुंच रहे हैं। लाखों टन गेहूं शासकीय खरीदी केंद्रों पर रखा हुआ है, जिसको परिवहन नहीं किया जा रहा है। इसकी वजह से गेहूं खरीदी केंद्रों पर बड़ी दिक्कत आ रही है। साथ ही चोरी होने का डर बना हुआ है, साथ ही खराब होने का डर भी बना हुआ है। पिछले वर्ष गेहूं का परिवहन नहीं हुआ था सही तरीके से, जिसके परिणाम यह रहे थे कि उज्जैन जिले के अंदर लाखों टन गेहूं खराब हो गया था। अगर सही समय पर गेहूं को नहीं उठाया गया तो इस वर्ष भी हालात खराब हो सकते हैं। जिम्मेदार अधिकारियों को और जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि वह खरीदा हुआ गेहूं समय पर परिवहन कराकर राज्य सरकार को नुकसान से बचाएं। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। गेहूं खरीदी केंद्र ऐसे हैं जहां पर गेहूं का काफ़ी मात्रा में स्टॉक पड़ा हुआ है, गेहूं जा नहीं पा रहे हैं, उनका परिवहन नहीं हो पा रहा है। तो आपने अधिकारियों को बताया क्यों नहीं, और बताया तो फिर अभी तक उठाया क्यों नहीं गया है? अब क्या दिक्कतें आ रही हैं और क्या समस्या आ रही है? परिवहन नहीं हो पा रहा है, तो समस्या यही है, बस परिवहन की वजह से लेट हो रहा है, इसीलिए पड़ा हुआ है। भाई साहब, इस बारे में आपने लिखित में पत्र के माध्यम से अधिकारियों को बताया नहीं? डेली हम अवगत कराते हैं अधिकारियों को, हमारे जो संबंधित हैं उनको डेली अवगत है। आसपास की जो सारी सोसाइटियाँ हैं, अब उनको तो काफ़ी समस्या और दिक्कत आ रही होगी, गेहूँ पड़ा हुआ था। यही स्थिति है, परिवहन नहीं हो पा रहा है, बाकी तो कोई समस्या नहीं है, सिर्फ परिवहन हो जाए तो समस्या हल हो जाए, कोई दिक्कत। करीब कितना गेहूँ आपकी सोसाइटी में अभी पड़ा होगा जो नहीं जा पा रहा है? अभी 6,500 क्विंटल करीबन पड़ा हुआ है। अच्छा, और भी अन्य सोसाइटी पे 5,000, 4,000, 3,000 पड़ा हुआ है? अभी हमारे यहाँ 12,000, 12,500 बोरी करीबन चल रही है। अब क्या दिक्कतें बढ़ सकती हैं और क्या परेशानी बढ़ सकती है? परेशानी यही है, माल अगर भी उठेगा तो फिर वो काम रुकेगा, खरीदी रुक जाएगी ना, माल की जगह की कमी है थोड़ी, अगर ये परिवहन हो जाता है तो कोई समस्या नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।